दोस्तों यूनानी सभ्यता के महान फिलोसोफर प्लेटो ने उस समय कहा था कि आज जहां अंटार्कटिका बर्फ के नीचे दबा हुआ है वहां कई शहर भी दबे हुए हैं। और इसी तरह कई हजार साल पहले भारत का बहुत बड़ा भूभाग कुमारी कंदम जलमग्न हो गया था और जिसका वर्णन कई जगह मिल जाता है। भारत का डूबा हुआ ये भाग कुमारी कंदम का उल्लेख प्राचीन तमिल साहित्य में भी पाया जाता है। और वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि गोंडवाना लैंड के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। और हम बात कर रहे हैं 15,000 साल पहले भारत की, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच सर्वे किया, जिसमें पता चला कि जलमग्न हुआ भाग जिसका नाम लेमोरिया नाम दिया गया। प्राचीन काल में जब हिमयुग के बाद बर्फ पिघलना शुरू हुई जिसमें लेमोरिया यानी कि कुमारी कंदम जलमग्न हुआ, उस समय इसका एरिया भारत के कन्याकुमारी से लेकर ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर तक फैला हुआ था, जो आज के हमारे भारत से 3 या 4 गुना था। और शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज के स्तर से 100 मीटर नीचे था और आज से 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इससे ये पूरी तरह संभव है। और इसको भारत से जोड़ने के लिए राम सेतु बनाया गया था जो बानरों ने बनाया था और शोधकर्ताओं को भी यहाँ बानरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कुमारी कंदम में ही हुई थी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें।